राम राम सारे भैया ने, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है एम सिख ब्लॉक में। आज हमको आपको दिखाएंगे ट्रोला भरा हुआ नियार का। अब लेने जा रहे हैं नियार, आपको दिखाते हैं फुल भर के ट्रोला। हाँ तो बारिश का दो मौसम हो रखा है। अब हम पहुँचे खेत में, बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम हो रखा है। वहाँ से हम ट्रोला वहाँ से आगे थे, हम पहुंच चुके हैं खेत में। अब ट्रोला हमने खड़ा कर दिया है, अब लेने जाएंगे नियार। आज बारिश हो रही है भाई, देखो बादल कैसे हो रखा है, देखो हवा बहुत तेज़ चल रही है। आपको हवा हवा की आवाज़ भी आएगी। ये देखो मेरे भाइयों का आलू लगाए हुए, इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान है। पहली बारिश तो अब के बहुत ज़्यादा हुई है, आलू बहुत नुकसान रहा है आलू का। ये देखो हमारा बीजा वो राई घास बोया हुआ है हमारा, बरसी हम इस वजह से नहीं बोते, बरसी में पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें पानी कम होता है। इसके साथ गाय को मोक नहीं लगती, बरसी के साथ ज़्यादा बरसी डाल दो उसके साथ मोक लग जाती है गाय को। हमारे पास ज़्यादातर गाय है सारी। ये देखो दूर तक हमारा बरसी खड़ा है। नियार हमने काट लिया है, अब गठरी बांधने लगे हुए हैं। अब आपको फुल लोड करते हुए भी दिखाएंगे ट्रोला। तू ही पास में 2 मिनट, इधर हो जा, इधर हो जा। अंकल जी हमारे आने से पहले निकाल नियार काट दिया था, अंकल जी पहले आ गए थे। अंकल जी काटते हैं नियार, हम मेरा काम है सिर्फ लेके जाने का। अंकल जी टाइम से आ गए थे, बारिश हो रही थी ना इसकी वजह से अंकल टाइम से ही आ गए थे। नियार हमारा कट चुका है, हमने अब भर लिया ट्रोला, अंकल जी लेके जा रहे हैं नियार की गठड़ी। ये देखो राई घास, ये सिर्फ 3 दिन का कटा हुआ है, ये वाला आगे वाला ये 4 दिन का है, इससे आगे 5वां दिन है। ये देखो कितना बड़ा बड़ा हो रखा है, ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है राई घास, बरसी इतना नहीं बढ़ता जितना ये बढ़ता है। हमारा ट्रोला हो चुका है फुल, देखो लतपत हो गया है ट्रोला फुल। अब इसे लेके चलते हैं। बाइक भी लोड मार रही है। यहाँ पर चढ़ाई, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से चढ़ गई है, थोड़ा खराब हुआ है ना। और
नियार काट के आ चुके हैं घर। देखो ट्रोला फुल भर रखा है। यहाँ है चढ़ाई, चढ़ाई पर बाइक बड़ी मुश्किल से चढ़ी है, ट्रोले में लोड बहुत काफ़ी ज़्यादा है ना, इस वजह से। सारे भाइयों को राम राम। एम सिखम ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और कमेंट जरूर करना।